हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम मिल्कशेक। बादाम मिल्कशेक बनाने के लिए पहले हम बादाम को 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा के रखेंगे। तो उसके लिए ये मैंने गर्म पानी ले लिया है। अभी मैं ये बादाम इसमें ऐड करके रखती हूँ। इसे मुझे 15-20 मिनट के लिए भिगो के रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बादाम मिल्कशेक बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 लीटर दूध है। ये 20-25 बादाम हमने पहले ही 15-20 मिनट पहले भिगो के रखे थे। ये 4 टेबलस्पून हमने पाउडर शुगर लिया है। 2 टेबलस्पून हमने मावा लिया है। ये 1 टीस्पून हमने हरी इलायची का पाउडर लिया है और पिंच ऑफ हमने सैफ्रन लिया है, जिसे हम दूध में घोल के इसमें ऐड करेंगे। तो आइए बादाम मिल्कशेक बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी बादाम के छिलके उतार लिए हैं। अभी मैं इसमें से कुछ बादाम बचा लेती हूँ और बाकी के बादाम का मैं टेस्ट कर लेती हूँ। ये मुझे गार्निशिंग के लिए लगने वाले हैं, इसलिए मैं इसे बचा लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। अभी पहले हम ये मावा जो हमने लिया है, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। मावे को भूनने से दूध का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक मिनट के लिए मावे को हमने भून लिया है। अभी हम दूध इसमें ही ऐड करेंगे। ये 1/2 लीटर दूध हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके दूध हम इसमें ऐड करेंगे। मावे को और दूध को अच्छे से उबलने देंगे। ये मावा और दूध के मिक्सचर को उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें ये जो हमने मिक्सी के पॉट में बादाम को ग्राइंड कर लिया है, वो ऐड करेंगे। इसे हमने कोर्सली ग्राइंड किया है, एकदम बारीक नहीं किया है। के साथ ही हम हरी इलायची का पाउडर है, ये इसमें ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून हमने पाउडर शुगर ली है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। शुगर आप आपकी चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। शुगर को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। इसे उबलने देंगे। ये 5 मिनट के लिए बादाम और सभी चीजों को हमने दूध के साथ उबाल लिया है। अभी हम ये केसर का दूध इसमें ऐड करेंगे। केसर को हमने थोड़े से दूध में भिगो के रखा था, तो ये इसमें ऐड कर लेते हैं। इससे दूध को कलर भी अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बादाम मिल्क बनके तैयार हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ। आप इसे गर्म भी पी सकते हो, पर ठंडा उसे करके पीना बहुत ही अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसे ठंडा करके सर्व करने वाली हूँ। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बादाम मिल्कशेक बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है। हमने इसे केसर, बादाम और पिस्ते से गार्निश किया है। इसे हमने एकदम ठंडा करके लिया है। आप भी इसे ठंडा करके ही लीजिए, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ठंडा करने से। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।